हे गाइस, स्वागत है फिर से आप लोग एक नया ब्लॉग में। और अभी बज रहे सुबह के 6 और अभी हम लोग रेडी होने वाले हैं और अभी हम लोग जाने वाले हैं कहाँ, कोलकाता। तो यार अपने जो ईयरफोन से वो प्रॉपरली इंसर्ट कर लीजिए क्योंकि सफ़र में मज़ा आने वाला है। सो गाइस, अगर आपको आपके बारे में जानना हो ना तो ट्रेवल कीजिए। ट्रेवल करने में आपको आपके बारे में ऐसा कुछ जानने को मिलेगा जो शायद आप नॉर्मली आपके बारे में नहीं जान सकते। सो गाइस, लेट्स गो। सो गाइस, हम भी निकल पड़े अपने बोरिया बिस्तर बांध के कोलकाता के सफ़र में। कहते हैं कि इट फील्स गुड टू बी लॉस्ट इन राइट डायरेक्शन, एंड आई थिंक मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक अलग ही दुनिया में अपने आप को कहीं खो चुका था। आसनसोल से कोलकाता का डिस्टेंस करीबन 200 किलोमीटर्स के है, तो मुझे रास्ते में जो भी अच्छा चीज़ लगा मैंने उसको अपने कैमरे में कैद कर लिया ताकि बाद में मैं उस मोमेंट को जी सकूं। मेरे जर्नी का पहला स्टॉपेज आया वर्धमान में, जहाँ के फेमस लंचे हम लोगों ने खाए और मॉर्निंग के पहला ब्रेकफास्ट हम लोगों ने वहीं पर किया। मैं इतना ट्रैवलिंग किया बट कभी भी ब्लॉग्स या फिर स्टोरी टेलिंग नहीं किया था। ये सफ़र मेरे लिए कुछ अलग था क्योंकि करीबन एक साल बाद मैं अपने होम टाउन से बाहर आया था और ये 3 घंटे का मेरा सफ़र मेरे लाइफ के कुछ अच्छे मोमेंट्स में काउंट हो रहे थे, क्योंकि इतना अच्छा सीन्स, इतना अच्छा ग्रीनरी मैंने ट्रैवलिंग के दौरान कभी भी देखी नहीं थी। तो यार मैंने इन सारे मोमेंट्स को आप लोगों के साथ शेयर करने के। सो गाइस, मैं भी गांव में रहता हूँ लेकिन मेरी तरफ इतना खेती नहीं होता जितना वर्धमान के साइड होता। ये भाई बहुत ही एक अच्छा चीज़ लगा, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और रास्ते में जब हम लोग जा रहे थे तब हम लोगों को कुछ जो किला बनाना का जो बगान मिला, दैट वाज अमेजिंग। मैंने उस मोमेंट को आपके लिए कैप्चर किया और इतना सारा पेड़ था, मतलब यू कांट थिंक ऑफ। ये भाई कुछ अलग ही था, कुछ अलग था ये। जब तक आप ये चीज़ अपने आप को खुद से आप ट्रैवल नहीं करेंगे तब आपको पता नहीं चलेगा। तो भैया, कोलकाता इज़ नॉट ए प्लेस फॉर एन्जॉयमेंट, ये हम बंगाली के लिए एक इमोशन है जो एक बंगाली समझ सकता। सो गाइस, अगर आप कहीं गुम हो चुके हो, आपको पता नहीं चल रहा आप कहाँ हो, लेकिन आपको बस योलो टैक्सी दिख रहा, तब आप समझ जाओ आप यार कोलकाता में हो। सो गाइस, जैसे ही पहुँचते हम लोगों ने सोचा कि व्लॉगिंग करना है, लेकिन हम लोगों का सामना कुछ और चीज़ें होने वाला था, वो था बारिश। सो गाइस, कुछ भी करके जब हम लोग बारिश से बचते हुए कोलकाता में अपना काम करके जब हम लोग रिटर्न कर रहे थे तब फिर से बारिश शुरू होने लगा था और जो रास्ते थे वो पूरा बारिश के पानी से भीग चुका था। तो यार मैंने वहाँ पर एक अच्छा सा यार टाइम लैप्स आपको लोगों के लिए कैप्चर किया, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार इस वीडियो में बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत तो मेहनत लगा है, तो बारिश से मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। तो यार इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो यार आगे हम लोग अभी बस पे जाएंगे और रास्ते पे जितना भी खाने का व्लॉग्स था हम लोग उसको कैप्चर नहीं कर पाए यार, पूरा बारिश में भीग चुके थे और लेट भी हो चुका था हम लोगों का। तो यार इसीलिए उतना डिटेल वीडियो है नहीं, लेकिन फ्यूचर में इन फ्यूचर आगे और भी अच्छा वीडियोज आने लगेंगे। हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते निकल रहे हरियाणा कोलकाता, तो
এখন অনেক রাত, তোমার কাঁধে আমার নিঃশ্বাস, আমি বেঁচে আছি তোমার ভালোবাসায়। ছুঁয়ে দিলে হাত আমার বৃদ্ধ বুকে, তোমার মাথা চেপে ধরে টলছি কেমন নেশায়। এখন অনেক রাত, তোমার কাঁধে আমার নিঃশ্বাস, আমি বেঁচে আছি তোমার ভালোবাসায়। ছুঁয়ে দিলে হাত আমার বৃদ্ধ বুকে, তোমার মাথা চেপে ধরে টলছি কেমন নেশায়। फाइनली हम लोग आसनसोल पहुंच चुके हैं। तो गाइज अभी बज रहे 6:30 और अभी हम लोग आसनसोल पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सीधा घर जाएंगे, बहुत ज़्यादा नींद है। तो गाइज वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट व्लॉग कमिंग सून। टिल देन टेक केयर।